दूध का गिलास। सन 1863 की बात है। 157 साल पहले एक गरीब लड़का था जो घर घर जाकर पुराना सामान बेचता था। कागज और पेंसिल्स। रुकिए आंटी, मैं आपकी मदद करता हूँ। शुक्रिया हावर, तुम बहुत अच्छे हो। सच में तुम बहुत ही काबिल भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हावर्ड आगे आया और उसने कुछ लड़कों को खेलते हुए देखा। कागज और पेंसिल्स। तुम लोगों को चाहिए क्या? कागज पेंसिल स्कूल में तुम्हारे काम आएगी। हे हावर्ड, हम लोगों ने पहले ही खरीद ली हैं। हाँ, पापा पिछले हफ्ते ही मेरे लिए पेंसिल का डब्बा और कागज लेकर आए थे। तुम आओ ना हमारे साथ खेलो। हाँ, थैंक्स, पर मेरे लिए आज ये सामान बेचना बहुत जरूरी है। ठीक है। हावर्ड वहाँ से निकलकर थोड़ी ही दूर पहुँचा था कि अचानक उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा तो उसने देखा कि उनमें से एक लड़का गिर गया है और उसके पैर पर काफी चोट लग गई है। अरे पीछे हटो, जल्दी जाकर कोई कपड़ा और ठंडा पानी ले आओ। आराम से, अभी अपना पैर बिल्कुल मत हिलाना। ये लो, इसे बांधने से तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा और जब दर्द कम हो जाए तो इनके सहारे घर तक चले जाना और कुछ दिन के लिए पैर को आराम देना, कहीं मत जाना। मुझे तो अब अच्छा लग रहा है। हावर्ड, तुम्हें तो डॉक्टर बनना चाहिए, है ना दोस्तों? हाँ, सही कहा। हावर्ड डॉक्टर बनना चाहता था। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी और फीस के लिए पैसे इकट्ठे करने की भी बहुत कोशिश की, पर वो उतने पैसे नहीं कमा पाया। वो थक चुका था और निराश था। डॉक्टर? हाँ, कैसे? इससे? क्या मैं इसे बचाकर रखूं अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए जो कि इसकी 100 गुना है, या पेट भरने के लिए एक ब्रेड खरीदूं जो मुझे 2 दिन बाद खाने को नसीब हो रही है? कितना बड़ा बेवकूफ हूँ मैं जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था। ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। खाना छोड़ो, अगर मुझे पीने के लिए बस पानी ही मिल जाए तो मैं उससे भूख मार लूंगा। हावर्ड की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, पर वो सिर्फ पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को नहीं रो सकता था। तो उदास मन से, थके हारे भूखे पेट ही उसने फैसला किया कि वो आगे बढ़कर अपना सामान बेचेगा। वो एक घर के आगे पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। बोलो। कागज और पेंसिल्स। मैम, क्या आप ये खरीदना चाहेंगी? तुम हावर्ड हो, है ना? मैंने तुम्हें वहाँ उन बूढ़ी दादी की मदद करते हुए देखा था और मैंने तुम्हें बहुत बार आस पड़ोस के लोगों की मदद करते हुए भी देखा है। खैर, क्या आप कागज और पेंसिल्स खरीदना चाहेंगी? तुम थके हुए लग रहे हो। दरअसल मैं सच में थक गया हूँ। मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है क्या प्लीज? अंदर आ जाओ हावर्ड, थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो। हावर्ड अंदर आया और लिविंग रूम में बैठा और वो लड़की रसोई में पानी लेने चली गई। पर जब वो आई तो उसके हाथ में पानी नहीं, दूध का गिलास था। ये लो, ये दूध पी लो हावर्ड। अरे थैंक यू सो मच। हावर्ड ने वो गिलास लिया और एक ही घूंट में सारा दूध पी गया। पूरे हफ्ते में आज उसे भर पेट कुछ पीने को मिला था। इसके मैं आपको कितने पैसे दूं मैम? जितनी मदद तुम यहाँ के आस पड़ोस के लोगों की करते हो, इसे उस मदद का तोहफा समझो हावर्ड। मेरी माँ हमेशा कहती है, सच्चे दिल से की गई मदद कभी बर्बाद नहीं जाती, उसका फल मिलता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो जिंदगी कोई ना कोई चमत्कार दिखाती है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। उस लड़की की कही बात और दूध के गिलास से न सिर्फ हावर्ड की भूख मिटी थी बल्कि उसका दिलो दिमाग भी खिल उठा था। उसे पता था कि वो जितनी कोशिश कर सकता है वो कर रहा है और जिंदगी में उसके साथ भी अच्छा ही होगा। कई साल बीत गए और एक दिन जिस लड़की ने उसे उम्मीद और दूध दिया था वो बीमार पड़ गई। कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। अब हम क्या करें? वो ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ एक डॉक्टर हैं जो शायद आपकी बेटी की मदद कर सकें। आप इसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाइए
और शायद आपको इसका ऑपरेशन करवाना पड़े। उस लड़की को शहर के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। वहाँ डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उसका अच्छे से ख्याल रखा। हालांकि उसे ठीक होने में काफी वक्त लग गया, पर वो ठीक हो गई। लेकिन ठीक होने के बाद भी उसे कई चीजों की फिक्र थी। ओह, पता नहीं हम कब तक हॉस्पिटल के बिल्स पूरे कर पाएंगे पापा। मैं यहाँ कई हफ्तों से एडमिट हूँ, बहुत ज्यादा बिल बन गया होगा। गुड मॉर्निंग, मेरी पेशेंट अब पूरी तरह ठीक हो गई है। घर जाने के लिए तैयार? हाँ, पर हमें अभी तक बिल नहीं मिला है नर्स। ओ, हाँ, बिल? उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा बिल डॉक्टर ने खुद ही भर दिया है, वो भी पूरा। ये देखो। जब उस लड़की ने वो बिल देखा, वो हैरान हो गई, क्योंकि उसके ऊपर पेट की बड़ी सी स्टैंप लगी हुई थी। और फिर जब उसने उसके पीछे देखा तो उस पर लिखा हुआ था, दूध के ग्लास का छोटा सा तोहफा। इसके मैं आपको कितने पैसे दूं मैम? जितनी मदद तुम यहाँ के आस पड़ोस के लोगों की करते हो, इसे उस मदद का तोहफा समझो हॉवर्ड। सच्चे दिल से की गई मदद कभी बर्बाद नहीं जाती, उसका फल मिलता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो जिंदगी कोई ना कोई चमत्कार दिखाती है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। एक भूखा गरीब लड़का, जिसे कई साल पहले एक लड़की ने दूध का गिलास देकर उसका पेट भरा था, आज वो गरीब लड़का दुनिया का एक नामी डॉक्टर बन गया है। डॉक्टर हॉवर्ड केली, जिसने उस लड़की की जान बचाई। सालों पहले उस लड़की ने उसमें उम्मीद जगाई और चमत्कार में उसे यकीन दिलाया था, और सालों बाद वही वो इंसान था जिसने उस लड़की की जान बचाई। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, और जब हम मंजिल पाने के लिए डटे रहते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चमत्कार जरूर होता है। और जिंदगी खुद हमारे सपने पूरे करने के लिए कोई ना कोई राह बना देती है।